और कानपुर में समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी पीयूष जैन के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड का मुद्दा सियासी तौर पर गर्माता जा रहा है। इनकम टैक्स रेड पर समाजवादी पार्टी ने बयान जारी किया और कहा कि कारोबारी के घर रेड से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन नहीं है। पार्टी ने कहा कि समाजवादी इत्र बनाने वालों से उसका कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे में अब तक 150 करोड़ कैश मिला है, 150 करोड़, और इसके साथ ही करीब 160 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है। तो ये बड़ी बात है कि करीब 150 करोड़ रुपए का कैश मिलना, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ट्वीट भी किया है, ट्वीट में क्या कहा आपको बताते हैं। कानपुर में पड़े कारोबारी के यहां इनकम टैक्स छापे का सपा से कोई लेना देना नहीं है और ना ही समाजवादी इत्र बनाने वाले इससे इनका कोई नाता है। आप झूठ भ्रम और नफरत की दुर्गंध ना फैलाएं, इसलिए आपको असली समाजवादी इत्र भेज रहे हैं। दरअसल कानपुर में समाजवादी इत्र बनाने वाले बिजनेसमैन के यहां छापा पड़ने के बाद बीजेपी ने एसपी पर अटैक किया था। अब समाजवादी पार्टी ने संबित पात्रा को इत्र की शीशी भेजी है और आपको बताते हैं कि संबित पात्रा ने ट्वीट में क्या लिखा है। समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां छापे में बरामद 100 करोड़ से ज्यादा कैश कौन समाजवादी काली कमाई है। एसपी नेताओं पर रेड पर बोले रामगोपाल यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि किसी भी समाजवादी नेता के घर रेड में कुछ नहीं मिला है। इससे पहले मऊ, मैनपुरी, लखनऊ में एसपी नेताओं पर छापा पड़ा था। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों का रेड हुआ, मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता अगर कोई कहता है, किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? 1.5 करोड़ मिला, कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। और एक अभी एक फोटो वायरल हो रहा है सर, कानपुर के पीयूष जैन हैं, कोई इत्र वाले हैं, परफ्यूम का बिजनेस है, उनसे क्या? तमाम बिजनेसमैन इस देश के, अडानी क्या डाल दो, 100 अरब मिल जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।